हेलो चिल्ड्रन, फ्रॉम दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ऑल्दो दिस चैप्टर इज वेरी स्मॉल, ये चैप्टर बहुत छोटा है और हमने जो टॉपिक पढ़े अब तक एड्सॉर्प्शन और उसके टाइप्स, वो यहाँ से एक मेजर टॉपिक था। और दूसरा मेजर टॉपिक है जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, कोलॉइड्स। ठीक है, इन दोनों टॉपिक के बीच में अगर आप एनसीईआरटी रेफर करते हैं तो कैटालिस्ट और कैटालिसिस, उनके टाइप्स, एंजाइम एक्शन, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो दिए हुए हैं। मगर जो सिलेबस कटेल हुआ है इस साल, उसमें ये टॉपिक्स ड्रॉप हो गए हैं। सो दैट इज व्हाई आई एम स्टार्टिंग जस्ट आफ्टर फिनिशिंग एड्सॉर्प्शन एंड इट्स टाइप्स विद कोलॉइड्स। सो बीच के जो टॉपिक्स हैं दे आर ओमिटेड दिस ईयर, तो हम उन्हें बाद में कवर कर लेंगे। बट लेट अस फर्स्ट फिनिश द टॉपिक्स विच आर देयर। सो कोलॉइड्स की बात हो रही थी। कोलॉइड्स के बारे में आप 9th क्लास में सबसे पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आई होप रिकलेक्ट हो जाएगा। सो आपने पढ़ा था मिक्सचर्स जो है वो दो तरह के होते हैं, होमोजेनस और हेटरोजेनस। अब मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स आर दी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू सब्सटेंसेस और थ्री सब्सटेंसेस, है ना। यूजुअली जब भी कोई हमसे मिक्सचर की बात करता है, हम सोचते हैं पानी में नमक डिसॉल्व करना या शुगर डिसॉल्व करना, वो बेस्ट एग्जांपल हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। यानी किसी भी जो टर्मिनोलॉजी हम जानते हैं कि मिक्सचर में दो चीजें होती हैं, एक जो थोड़ी कम क्वांटिटी में होता है जिसे हम डिसॉल्व करते हैं, और दूसरा वो जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है जिसमें हम कम क्वांटिटी वाली चीज डिसॉल्व करते हैं। तो कम क्वांटिटी वाली चीज को सोल्यूट कहते हैं और ज्यादा वाली को सॉल्वेंट कहते हैं, और जो बन जाता है उसे सोल्यूशन कहते हैं। ये चीजें हम पहले से जानते हैं, और सोल्यूशन एक तरह का मिक्सचर है। लेकिन सोल्यूशंस के पर अगर बात की जाए तो मैं आपको तीन एग्जांपल देती हूं। आपने नमक डाला है पानी में, ठीक है, उसको स्टर करके सोल्यूशन बनाया, एक ग्लास में अलग रख दिया, दूसरा ग्लास लिया, उसमें पानी लिया और उसमें डाल दिया स्टार्च या मैदा या आटा, कुछ भी डाल दे। उसके बाद आपने एक तीसरा ग्लास लिया, उसमें आपने पानी लिया और मिट्टी डाल दी, ठीक। अब ये जो तीन तरह के मिक्सचर्स आपको मिले हैं, एक में है नमक पानी के अंदर या चीनी जो भी डालिए, दूसरे में है स्टार्च और पानी, तीसरे में है मिट्टी और पानी या रेत और पानी, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो इन तीनों के बारे में अगर हम ध्यान से सोचें तो इन तीनों में एक चीज कॉमन है और वो है पानी। आपने तीनों चीजों को, जो आपका शुगर या सॉल्ट था पहले में, दूसरे में स्टार्च या मैदा या आटा जो भी लिया, तीसरे में मिट्टी या सैंड रेत जो कुछ भी लिया, ये अलग अलग चीजें हैं। जो आप डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो चीजें अलग हैं, जो घोल रहे हैं वो अलग हैं, जिसमें घोल रहे हैं वो कॉमन है और वो वाटर है। तो जिसमें आप घोलते हैं वो सॉल्वेंट होता है और जिसको घोलते हैं वो सॉल्यूट होता है। ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत क्लियर है छोटी क्लासेस। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कोलॉइड्स को समझने की कोशिश करेंगे। सो मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। अब आपने जो तीन ग्लास में सोल्यूशन बनाया, उसमें से जो सबसे पहला ग्लास है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देती हूं इसमें, कि जब आप शरबत बनाते हैं या चाय पीते हैं तो जो मिठास होती है चीनी की, वो पहली सिप से आखिरी सिप तक सेम रहती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब आप चाय पीना शुरू करते हैं तो पहले वो फीकी लगती है, फिर थोड़ी और मीठी लगती है, फिर थोड़ी देर बाद और मीठी लगती है? ऐसा नहीं होता। या इसका उल्टा भी नहीं होता कि शुरू में बहुत मीठी थी, फिर फीकी हो गई, फिर बिल्कुल ही चीनी खत्म हो गई लास्ट सिप तक, ऐसा भी नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो शुगर का कॉन्सेंट्रेशन है चाय में या शरबत में, वो थ्रू आउट सेम है, है ना। तो सेम है का मतलब क्या है कि चीनी पूरी अच्छे तरह से बराबर क्वांटिटी में होमोजेनसली, यहां पे आया केमिस्ट्री का वर्ड होमोजेनस या होमोजेनसली, बराबर क्वांटिटी में बराबर मात्रा में पूरे के पूरे पानी में घुली है। सो जो पहला ग्लास आपने बनाया था वो था ट्रू सोल्यूशन, क्योंकि ट्रू सोल्यूशन में क्या होता है, होमोजेनस डिवीजन होता है सोल्यूट पार्टिकल्स का। लेकिन जो अगले दो हैं, अगले दो एग्जांपल स्टार्च एंड वाटर एंड मड एंड वाटर, वो उसमें से स्टार्च एंड वाटर एग्जांपल है कोलोइड का, और लास्ट वाला जो है वो एग्जांपल है आपके सस्पेंशन का। तो अभी मैं इसको और डिटेल में अच्छे से बताऊंगी, लेकिन ये वो क्लासिफिकेशन है जो आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहां से हमें चाहिए सिर्फ कोलॉइड, क्योंकि ये टॉपिक डिटेल में कोलॉइड के बारे में। फिर सवाल आता है हम ट्रू सोल्यूशन क्यों नहीं पढ़ रहे, इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, सेकंड चैप्टर वॉज अबाउट सोल्यूशन ओनली। सस्पेंशन के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि सस्पेंशन को हम ट्रू सोल्यूशन कहते ही नहीं है,
इनमें वो प्रॉपर्टीज होती ही नहीं है, तो इसीलिए इनकी स्टडी नहीं करना है। सो ट्रू सॉल्यूशंस आपने सेकंड चैप्टर पूरा पढ़ा इनके बारे में, और कोलोइड्स के बारे में आप यहां पढ़ेंगे। सो द टॉपिक ऑफ द स्टडी इज नाउ हियर। तो यहां तक आप नाइन्थ में पढ़ चुके हैं, अब आप थोड़ा सा इसको अगर और अपना हेड स्क्रेच करें तो आपको सारी चीजें क्लियरली याद आ जाएंगी। ट्रू सॉल्यूशन में आपने जो बातें पढ़ी थी वो ये था कि हमने अगर सॉल्ट लिया, उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ट्रू सॉल्यूशन बन जाए। अब ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, या कौन सी बातों के बेसिस पर इनको ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड या सस्पेंशन कहा गया? तो आप ध्यान दें कि जो सॉल्ट है उसे आप क्या बोलते हो, सॉल्यूट, यानी जो चीज आप डिसॉल्व करते हो उसे आप सॉल्यूट बोलते हो, और जिसमें डिसॉल्व करते हो उसे सॉल्वेंट बोलते हो, राइट? ठीक है, तो ये जो सॉल्यूट होता है, जो चीज आप डिसॉल्व करते हो, तीनों एग्जांपल्स लिख देती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। सेकेंड वाले में एग्जाम्पल मैंने बोला था स्टार्च में वाटर या वाटर में स्टार्च डाल लें, और यहां मैंने बोला था मड डाल दें आप वाटर में। तो अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों में वाटर एज अ सॉल्वेंट कॉमन है, यानी वो मीडियम जिसमें आप डिसोल्यूशन कर रहे हैं, आप डिसॉल्व कर रहे हैं, वो सेम है, लेकिन जो चीज डिसॉल्व कर रहे हैं वो तीनों में अलग है। यानी तीनों को अलग कौन बनाता है, कि आपने क्या जो है डिसॉल्व किया है। यानी आप सिंपली कह सकते हैं कि नेचर ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व, जिसको आप थोड़ी देर के लिए सॉल्यूट कह सकते हैं, कि सॉल्यूट के नेचर पर तीनों को डिफरेंशिएट किया है ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन में। तो अब आगे की बातें भी हम सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में करेंगे। सो ट्रू सॉल्यूशंस में सॉल्यूट होता है सॉल्ट, है ना, और यहां पर ध्यान दें कि जो पार्टिकल साइज है सॉल्यूट का, पार्टिकल साइज जो है, पार्टिकल साइज इज इन बिटवीन 0.1 to 1 नैनोमीटर, इतना छोटा कि आपको दिखाई नहीं देता। एक बार आप चीनी को पानी में डिजोल्व कर दें या नमक को डिजोल्व कर दें तो आप देख नहीं सकते उसको, कि आपको दिख रहा है कि हाँ ये पार्टिकल्स हैं। और सस्पेंशंस में ये पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, आपको नेकेड आई से आराम से दिखते हैं, क्योंकि इनका जो साइज होता है वो 10^3 नैनोमीटर से बड़ा होता है। तो अच्छा खासा साइज होता है, आपको आंखों से दिखता है, इसीलिए ये पूरी तरह से पानी में घुलते भी नहीं है, और अगर आप इन्हें रख दें तो ये थोड़ी देर बाद सेटल हो जाते हैं, आपको नीचे ऊपर पानी क्लियर और नीचे मिट्टी या सैंड जो डाली है वो अलग लेयर बना के मिल जाएगी, आप उसे फिल्टर कर लें, आपको क्लीन वाटर अलग हो जाएगा। सस्पेंशन को समझने के लिए आपने कभी घर में मम्मी को चाय छानते हुए अगर देखा हो, तो छन्नी से चाय छानते हैं, उसको इंग्लिश में स्ट्रेनर कहते हैं, तो स्ट्रेनर से जब चाय छानते हैं तो वो सिर्फ आप जो चाय पीते हैं उस चाय को नीचे जाने देती है, लेकिन चाय पत्ती को जाने नहीं देती। तो चाय पत्ती के पार्टिकल्स जो हैं उसको अगर आप क्या मान लें, सल्यूट मान लें, तो वो चाय का जो पानी है जो आप पीते हो एक्चुअली, वो भी एक तरीके का सस्पेंशन हो गया, कि जब चाय बन रही है तो इट्स अ सस्पेंशन। सो ये मैंने एग्जांपल क्यों लिया, ये अभी मैं थोड़ी देर बाद और आपको बताऊंगी, इससे हमें एक और हेल्प मिलेगी। अब ये दोनों बातें तो हमें पढ़नी नहीं है, बट स्टिल हमने क्यों पढ़ी उसका भी एक रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगी। एक्चुअली इनसे कंपेयर करके हमें कोलॉइड्स के बारे में पता करना है। तो जब इनका पार्टिकल साइज ये है तो कोलॉइड्स कहाँ है, जैसे कि कोलॉइड्स को लिखते वक्त इनके बीच में लिखा है, वैसे ही इनका पार्टिकल साइज भी इन दोनों के बीच में होता है। यानी इनका जो पार्टिकल साइज है उनके बीच में कोलॉइड्स का पार्टिकल साइज होता है। तो इनका पार्टिकल साइज सॉल्यूशंस का 0.1 to 1 नैनोमीटर है, बहुत छोटा, आंखों से दिखता ही नहीं है। सस्पेंशन का बहुत बड़ा, 10^3 नैनोमीटर से बड़ा, है ना, से ज्यादा, मोर देन दिस। और कोलॉइड्स का पार्टिकल साइज इनके बीच में आता है, एंड दैट इज 1 nanometer to 1000 nanometer, इतना पार्टिकल साइज होता है। तो ना तो ये ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जितने छोटे होते हैं और ना ही सस्पेंशन के पार्टिकल्स जितने बड़े होते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में, कि दे कैन बी क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन द, और दे कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड डिफरेंशिएटेड डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल साइज ऑफ द सॉल्यूट। अब आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान दें, कभी ऐसा हुआ कि हमने शरबत बनाकर रखा है और 2 घंटे रखने के बाद चीनी उसमें नीचे चली गई और ऊपर सिर्फ पानी बचा हो जिसमें टेस्ट ही नहीं आ रहा हो मीठा? ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है कहां, अगर एक बार ट्रू सॉल्यूशन बन गया। ट्रू सॉल्यूशन बन गया तो जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो थ्रू आउट
वाटर या थ्रू आउट जो सॉल्वेंट है उसमें खुले ही रहेंगे, दे डोंट सेटल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और कोलॉइड्स में भी लगभग ऐसा होता है, मगर कोलॉइड्स को अगर आप बहुत लंबे समय तक रखो तो उनके पार्टिकल्स कई बार कुछ क्वांटिटी में नीचे सेटल हो जाते हैं। सस्पेंशंस में तो ऐसा होता ही होता है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए उनके थ्रू। इनमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है कि जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन होती है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसके लिए यूजुअली जो है एनिमल्स के ब्लैडर यूज किए जाते हैं, तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारी बॉडी के अंदर भी कई ऑर्गन्स में है। सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, सेमी मतलब नॉट अलाउिंग एवरीथिंग, ये बहुत स्पेसिफिक होती है नेचर में। जैसे कि जब हम चाय छन्नी वाला एग्जांपल दिया था कि चाय छानते हैं तो चाय की पत्ती चाय के कप में नहीं गिरती छानते समय, क्यों, क्योंकि वो जो स्टेनर है उसके छेद इतने बड़े नहीं हैं कि जो है चाय की पत्ती नीचे गिर जाए, लेकिन इतने बड़े जरूर हैं कि आप चाय छान सको, यानी वो सिर्फ सिलेक्टेड चीज को नीचे जाने देती है, चाय पत्ती को नहीं जाने देती। तो ऐसी ही होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो हर चीज को अपने थ्रू पास होने नहीं देती। अगर आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं समझते तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिल्टर पेपर, सबने लैब में देखा होगा फिल्टर पेपर, एज्यूम कर लें, अगर हम फिल्टर पेपर का कोन बना लें और उसे उससे सोचें फनल में लगा के कि हम कुछ छान रहे हैं, तो आपको वो बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आती है, सबने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तो फिल्टर पेपर का कोन बना करके उसको फनल में रख लें और सोचें कि अब मैं ये जो मिक्सचर है उसको उससे पास करा रहा हूं, पूरा का पूरा पास हो जाएगा, कुछ भी आपको फिल्टर पेपर के सर्फेस पे नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर आपको जो है थोड़ा सा क्लाउडी जो है सोल्यूशन मिलेगा और फिल्टर पेपर के थ्रू ये थोड़ा टाइम लगाएंगे लेकिन पास होंगे, बहुत स्लोली, यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये पास नहीं होंगे, और ये तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं सस्पेंशंस। सो हमने क्या पढ़ा कि ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स कभी सेटल नहीं होते, ऐसे ही कोलॉइड्स के पार्टिकल भी नहीं सेटल होते, थोड़े बहुत होते हैं पर आप उसे निग्लेक्ट कर सकते, ऑन एन एवरेज बुक्सेस नहीं सेटल होते, सस्पेंशन के हो जाते हैं और हमें दिखते भी हैं। और मेम्ब्रेन से पास होने पर हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करें तो ट्रू सोल्यूशंस कैन पास, कोलॉइड्स कैन ऑल्सो पास पार्शली, एंड सस्पेंशन कैन नेवर पास। सो ये कुछ कॉमन जनरल एग्जाम्पल्स थे जो हमें समझना बहुत जरूरी है। अब हमें ये समझ आया कि कोलॉइड्स क्या होते हैं, एक जनरल एग्जाम्पल आप ध्यान रखें और वो है क्या, स्टार्च एंड वाटर का एग्जाम्पल। नाउ अगर हम कोलॉइड्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जो कि अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाउ लेट्स सी, बिफोर वी बिगिन विद क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और डिस्कस करनी है कोलॉइड्स के बारे में, कि जैसे कि ट्रू सोल्यूशन में आपको बहुत क्लियर है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट टर्म्स यूज होते हैं, जो डिजोल्व होता है उसे सोल्यूट कहते हैं, जिसमें डिजोल्व होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, तो ऐसे ही कोलॉइड्स में जो है स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी दी गई है, राइट। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि स्टार्च जो है कोलॉइड में अगर सोल्यूट है और वाटर अगर सॉल्वेंट है, तो ध्यान रखें कोलॉइड्स में इन्हें सोल्यूट और सॉल्वेंट नहीं कहा जाता, मगर क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि कोलॉइड्स में इनकी अपनी टर्मिनोलॉजी है। कोलॉइड्स के केस में जिस चीज को आप डिसॉल्व करते हैं, जिसको आप ट्रू सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूट कहते हैं, कोलॉइड्स के केस में उसे जो है डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, और जिस चीज को आप सॉल्वेंट कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन के केस में, कोलॉइड्स के केस में उसे डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। डिस्पर्जन मीडियम यानी वो मीडियम जिसमें कोलॉइड बनेगा, जब आप स्टार्च पानी में डिसॉल्व करेंगे तभी तो कोलॉइड बनेगा, यानी ये मीडियम की तरह काम करेगा। तो आप याद रखिए मीडियम क्या है, जो सॉल्वेंट के जैसा है, तो मैं इसको आपको लिख के दे देती हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। डिस्पर्जन मीडियम किसके लिए यूज होता है, सॉल्वेंट की जगह यूज होता है कोलॉइड्स के केस में, और डिस्पर्स फेस किसके लिए यूज होता है, सॉल्यूट के सिनोनिमस है, ठीक है। सो ये टर्मिनोलॉजी जो है आपको ध्यान रखनी है, कई बार शॉर्ट में डिस्पर्स फेस को डीपी और डिस्पर्जन मीडियम को डीएम भी लिखा जाता है, बट ट्राई टू अवॉइड द शॉर्टकट्स, बट स्टिल अगर कहीं ऐसा आता है डीपी एंड डीएम, सो यू शुड नो, दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू। नाउ वी विल कंटिन्यू एंड विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स इन डिटेल।